गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और चैनल का नाम है आई एम टूरिस्ट। आज मैं विजिट करूंगा हिमाचल का जाना माना हॉस्पिटल विवेकानंद हॉस्पिटल, जो कि पूरे हिमाचल में काफ़ी बेस्ट हॉस्पिटल माना जाता है। ये जो सामने आप गेट देख रहे हैं, ये मेन रोड के साथ ही विवेकानंद हॉस्पिटल का गेट है। राइट में रोड जाता है पालमपुर के लिए और लेफ्ट वाला रोड जो है वो बैजनाथ के लिए जाता है। पालमपुर से बैजनाथ के मेन रोड पे ये हॉस्पिटल लोकेटेड है। ये अंदर का व्यू देखो आप, कितना ब्यूटीफुल है। पार्किंग स्पेस बहुत बड़ा है, 200 से 300 गाड़ियां एक बार में पार्क हो जाती हैं आराम से। इसके अलावा पार्क इतने सुंदर बने हैं कि आप यहाँ पर बैठ के आराम से अपना लंच कर सकते हैं, ठंडी हवा ले सकते हैं। पहाड़ों का नज़ारा देखो कितना खूबसूरत है अंदर। अब लेके चलता हूँ मैं आपको आगे और दिखाता हूँ पार्किंग का व्यू और बाहर वाली कैंटीन। हॉस्पिटल के अंदर दो कैंटीन्स हैं और ये पार्क देखो पहले आप, कितना खूबसूरत पार्क है बैठने के लिए बाहर। यहाँ आप नीचे बैठ सकते हैं, बेंच भी लगे हैं बैठने के लिए। और ये आ गई फ्रंट में पार्किंग मोटरसाइकिल्स के लिए, दोनों साइड मोटरसाइकिल्स पार्क होते हैं यहाँ पर और एक साइड में कार्स होती हैं। और जो दूसरी साइड सामने वाले रोड पे पार्किंग दिख रही है, वहाँ पे गाड़ियाँ पार्क होती है। और ये जो इनका मेन रोड चल रहा है, ये भी इनका अपना पर्सनल है, जिसके हॉस्पिटल के पीछे कायाकल्प बना हुआ है। तो ये कुछ व्यू है हॉस्पिटल का सामने से। अब जो आप पार्किंग देख रहे हैं, ये गाड़ियों के लिए है। राइट वाला रोड जो है ये गाड़ियों के लिए, यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क होती हैं। और ये जो आप बिल्कुल पार्क के साथ रोड देख रहे हैं, ये कायाकल्प के लिए जाता है। 400 मीटर पीछे जाके कायाकल्प है यहाँ पे, जहाँ पे थेरेपी होती है, फिजियो, आपको पता ही होगा। और ये जो कैंटीन है ये अभी नई बनी है एक साल से। यहाँ पर आपको स्नैक्स वगैरह, चाय, कॉफ़ी, ब्रेड पकौड़ा, सैंडविच वगैरह, ऑल स्नैक्स जो वो अंदर मिल जाते हैं। ये कैंटीन के अंदर बैठने के लिए जगह बनी है काफ़ी अच्छी। जो ड्राइवर्स आते हैं बाहर से, बाहर बैठे रहते थे पहले गाड़ियों में, वो यहाँ पे बैठ के आराम से अपनी कॉफ़ी वगैरह पी सकते हैं। और रात को अगर कोई रह जाए यहाँ पे हॉस्पिटल में, तो कैंटीन के अंदर सो सकते हैं आप अपना आराम से बेंच पर। तो ये है कैंटीन बाहर की, छोटी सी कैंटीन है, इससे बड़ी कैंटीन अंदर है और मैस भी है, वो भी दिखाऊँगा आपको मैं। ये पार्क बना हुआ है छोटा सा नया बाहर बैठने के लिए, पेड़ों की छाया में बेंचेस लगे हैं। ये देखिए, ये दूसरी वाली साइड का पार्क है, पहले मैंने लेफ्ट वाला दिखाया था, ये राइट वाली साइड में है पार्क। और इस पार्क के बिल्कुल पीछे भी गाड़ियों की ही पार्किंग है। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, पब्लिक वॉशरूम दिखाता हूँ, जो पेशेंट के साथ क्लाइंट आते हैं उनके लिए है ये, और ड्राइवर्स के लिए इंक्लूड है, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर भीड़ पड़ जाती है तो इतना होता नहीं सिस्टम। तो अभी ये देखो आप वॉशरूम कितने अच्छे बने हैं बाहर, ये बाहर वाले क्लाइंट्स के लिए हैं, जैसे पेशेंट के साथ जो आते हैं। अब इसके पीछे लेके चलता हूँ मैं आपको, जहाँ पे गाड़ियों की काफ़ी ज़्यादा खुली पार्किंग है। ये आगे हम पार्किंग में, ये लेफ्ट साइड में हॉस्पिटल का ही रोड है अंदर, दोनों साइड गाड़ियाँ पार्क हुई हैं और राइट में भी पार्किंग है गाड़ियों के लिए काफ़ी ज़्यादा। और बिल्कुल जो सामने आपको लास्ट में गाड़ियाँ दिख रही हैं, वो डॉक्टर्स के लिए पार्किंग है, वहाँ पे डॉक्टर की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। अब मैं हॉस्पिटल का फ्रंट व्यू दिखा रहा हूँ आपको, ये फ्रंट व्यू है हॉस्पिटल का, जहाँ तक लास्ट तक आप गाड़ी ले जा सकते हो। अब चलते हैं हॉस्पिटल के अंदर, अभी हम हॉस्पिटल के अंदर आ गए। ये जो बिल्कुल आपके सामने लाइन लगी है, ये लगी है स्लिप कटवाने के लिए, पर्ची लेनी पड़ती है जिसके लिए। और पर्ची की जो एंट्री फीस है वो विवेकानंद में है 200 रुपया पर पेशेंट। 200 रुपये की पर्ची जैसे आप लोगे तो वो आपकी 3 दिन चलती है, उसके बाद फिर से आपको नई पर्ची लेनी पड़ती है। बट 3 दिन तक आप फ्री चेकअप करवा सकते हैं डॉक्टर से, आपको स्लिप जो वो नहीं लेनी पड़ेगी। बाकी ये सामने है राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में अंदर आके रेडियोलॉजी, और स्लिप लेके आपको रेडियोलॉजी के बिल्कुल लेफ्ट में अंदर को आना है, तो यहाँ पे डॉक्टर्स बैठते हैं सारे। ये बिल्कुल सामने आपके हैं ओपीडी, और काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, स्पेशलिस्ट हैं, हर एक बीमारी के लिए यहाँ पर डॉक्टर बैठे हैं, जो आपको पूरा दिन जो अवेलेबल मिल जाते हैं।
ओपीडी के बाहर आके फिर लेफ्ट साइड में वॉशरूम बने हैं लेडीज़ के लिए और जेंट्स के लिए भी। पानी के पीने की सुविधा भी काफ़ी अच्छी है, ठंडा पानी भी मिल जाता है और नॉर्मल पानी भी मिल जाता है। ये बाहर का व्यू है, गेट के राइट साइड में है एमरजेंसी वार्ड ट्रॉमा केयर, जिसमें आप नाइट में जब भी आओ तो आपको राइट साइड अंदर एमरजेंसी में जाना है, वहाँ पे एमरजेंसी डॉक्टर आपको मिल जाते हैं। ये है ओवरव्यू अंदर का हॉल का, मेन हॉल जो है, और इसके लेफ्ट और राइट और फ्रंट में सारे डिपार्टमेंट्स हैं। ये जो मैं आपको डिपार्टमेंट्स दिखा रहा हूँ, ये है रिसेप्शन के बिल्कुल राइट में अंदर को सीटी स्कैन, और यहाँ पे स्लिप्स कट रही हैं, ये आप देखिए सामने बिल्कुल। और इतनी भीड़ भी नहीं है क्योंकि काउंटर ज़्यादा लगे हैं, इनके पास एम्प्लॉइज़ ज़्यादा हैं, काफ़ी अच्छी सर्विस देते हैं विवेकानंद वाले। और ये देखिए ये कंटीन नीचे, और ये है मेडिकल स्टोर अंदर, जहाँ पे आपको सारी दवाइयाँ मिल जाती हैं। अब चलते हैं नीचे कैंटीन की साइड। कैंटीन में यहाँ पे नीचे स्नैक्स वगैरह, चाय, कॉफ़ी, ब्रेड पकौड़ा, ऑमलेट, ब्रेड आपके ऑर्डर पे मिल जाता है। इसके अलावा अगर आपको खाना खाना है तो मेस भी बनी है अंदर, उसके लिए आपको रिसेप्शन पे पहले पर्ची लेनी पड़ेगी। 60 रुपये का आई थिंक खाना मिलता है यहाँ पे वेज, और पर्ची लेके आप नीचे जमा करवा सकते हैं और आपको खाना मिल जाएगा, जिसमें 2 सब्जियाँ होती हैं, सैलड होता है, रोटी चावल सब कुछ मिलता है जितना आप खाना चाहो। बाकी ये है कैंटीन कुछ अंदर से ऐसी, जिसमें आपको 24 आवर सर्विस मिल जाती है, मेडिकल स्टोर में भी और कैंटीन में भी। अगर आप रात को हॉस्पिटल आ रहे हो एमरजेंसी 12 बजे के बाद, कोई दिक्कत नहीं है, कैंटीन आइए, चाय पीजिए, मेडिकल स्टोर भी खुला होता है, डॉक्टर भी अवेलेबल्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी सर्विस है। ये है मेस की डिटेल्स पूरी, ब्रेकफास्ट कब मिलता है, लंच, डिनर और प्राइजेस वगैरह क्या हैं, स्लिप कटती है ऊपर से। तो यहाँ पे इस दरवाजे पे आना है आपको वो स्लिप लेके, फिर आपको अंदर यहाँ पे खाना मिल जाता है, जहाँ पे हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन बने हैं, पीने के लिए ठंडा पानी है और नॉर्मल पानी भी ये दे देते हैं। ये है अंदर से मेस, और अब दिखाता हूँ आपको इसका सेकेंड हॉल। ये देखिए कितना क्लीन है, सिस्टम वाइज रखा हुआ सारा कुछ सिस्टम से, और खाना भी यहाँ पे सस्ता मिल जाता है अंदर। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, विवेकानंद हॉस्पिटल्स में हिम केयर कार्ड आराम से चलते हैं, यहाँ पे जितनी भी सर्जरीज हैं वो फ्री होती हैं, आपका कोई चार्जेज नहीं लगता, सिर्फ टेस्ट के पैसे लगते हैं, वो भी इतने ज़्यादा नहीं होते। और आर्मी वालों के लिए भी खुशखबरी है, उनके सारे कार्ड्स यहाँ पर चलते हैं, और उनकी फैमिली के लिए भी। तो ये आगे हम हॉस्पिटल के रिसेप्शन के साथ बिल्कुल लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे एमरजेंसी कॉम्प्लेक्स है और ऑपरेशन थिएटर भी यहीं पे है, ओटी, आईसीयू और सिक्कू, जहाँ पे एमरजेंसी वाले सारे जो है वो ट्रीटमेंट होते हैं। ये एमरजेंसी वालों के लिए सीटिंग प्लान्स हैं यहाँ पे, और अलग से सेपरेट पानी का कूलर भी रखा हुआ है। ये देखिए ये है जो मैं आपको बता रहा था एमरजेंसी, अगर आप रात को आते हैं पेशेंट के लिए तो आपको अंदर नहीं जाना, रिसेप्शन पे आपको सीधे एमरजेंसी में चले जाना है पेशेंट को लेके, और साथ के साथ आपका जो है इलाज हो जाएगा। हॉस्पिटल की जो मैं आपको सर्विस बताऊं तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम बिताया हुआ है ट्रीटमेंट के दौरान, अपनी फैमिली का, अपने रिलेटिव्स का, तो सर्विस जो है वो इनकी काफ़ी अच्छी है, अच्छे से डीलिंग करते हैं। और प्राइस की बात करूँ तो बिल्कुल जेन्युइन प्राइस है, अगर आप प्राइवेट इलाज भी कराते हो तो इतना ज़्यादा प्राइस नहीं है जितना लोग शो ऑफ करते हैं या बोलते हैं, बिल्कुल नॉर्मल प्राइस हैं, और हिमाचल में सबसे अच्छे हॉस्पिटल्स में इसको गिना जाता है। थैंक यू सो मच।